दोस्तों आज का यह वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलों से परेशान हैं और जिन्हें लगता है कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। अगर आप भी यह सोच रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोच पूरी तरह से बदलने वाली है। देखिए दोस्तों, मुसीबतें हमारी जिंदगी की एक सच्चाई है। जिंदगी के लगभग हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता रहता है, और यह भी बिल्कुल सच है कि मुश्किलों के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन अक्सर होता क्या है कि जब भी मुसीबतें हम पर आती हैं तो उस टाइम हमें कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसे में फर्क सिर्फ हमारी सोच और हमारे कर्मों का है। बहुत सारे लोग हिम्मत और हौसला हार कर मुश्किलों से हार जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मुसीबतों का डटकर सामना करते हैं। और दोस्तों ऐसे ही लोग एक आम इंसान से खास इंसान बन जाते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस बात को प्रूव करने के लिए मैं आपको कुछ सफल लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन मुश्किलों से हार ना मानते हुए इतिहास रच डाला। अब्राहम लिंकन। दोस्तों अब्राहम लिंकन अमेरिका के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपतियों में से एक थे, जिन्होंने अमेरिका सहित पूरे विश्व में दास प्रथा को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अमेरिका के सबसे बड़े संकट अमेरिकन सिविल वॉर से अपने देश को उबारा। लेकिन इतने महान इंसान के अगर पूरे जीवन को आप अच्छे से जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी परेशानियों के सामने हमारी मुसीबतें कुछ भी नहीं। अब्राहम लिंकन का बचपन इतनी गरीबी में बीता कि उन्हें और उनके पूरे परिवार को एक घर के लिए दर दर ठोकरें खानी पड़ी। उनके पिता के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे अब्राहम को स्कूल भेज सकें, इसीलिए लोगों से मांगे हुए किताबों से अब्राहम ने पढ़ाई की। अपना पेट पालने के लिए उन्होंने बचपन से ही मजदूरी करना शुरू कर दिया। 9 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया। जिस लड़की से प्रेम किया और शादी करना चाहते थे उसकी भी मृत्यु हो गई। दास प्रथा के खिलाफ लड़ने के लिए चुनाव की तरफ रुख किया तो उसमें भी उन्हें कई बार हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि उनके जीवन में एक ऐसा भी समय आया कि जब वे चाकू और छुरों से दूर रहते थे। उन्हें खुद से डर लगने लगा था कि वे अपने आप को कहीं मार ना लें। लेकिन पूरे जीवन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और आखिरकार अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया। श्रीनिवास रामानुजन। दोस्तों रामानुजन भारत के महान गणितज्ञों में से एक थे, जिन्होंने अपनी 32 साल की छोटी सी उम्र में गणित के करीब 4000 इक्वेशंस की खोज की। रामानुजन शुरू से ही गरीबी से जूझते रहे। स्कॉलरशिप के दम पर जहां उन्होंने स्कूल की पढ़ाई की, वहीं गणित विषय पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से 11वीं क्लास में फेल हो गए, जिससे स्कॉलरशिप मिलनी भी बंद हो गई। आगे चलकर आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। यहां तक कि शुरू से उनके स्वास्थ्य ने भी उनका साथ नहीं दिया और वे कई बार गंभीर रूप से बीमार होते रहे। लेकिन इसके बावजूद ईश्वर पर अटूट विश्वास और गणित में उनकी लगन हमेशा उन्हें प्रेरित करती रही, और इतने कठिनाइयों के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अगर बात की जाए होंडा मोटर कंपनी के मालिक सोइचिरो होंडा की, उन्होंने भी एक छोटे से गैराज से कंपनी शुरू की और अगले कुछ ही सालों में उनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी बन गई। लेकिन इस सफलता के बीच उन्हें भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कंपनी जब सफलता की तरफ बढ़ रही थी, उस समय विश्व युद्ध में बम ब्लास्ट से उनकी फैक्ट्री पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से एक नई शुरुआत की, और आज के समय में उन्हीं की कंपनी होंडा की मोटरसाइकिल्स पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बिकती हैं।
दोस्तों इसके अलावा भी नेल्सन मंडेला, कर्नल सैंडर्स, वॉल्ट डिज्नी जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में अनगिनत मुश्किलों का सामना किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया। और हाँ, इस वीडियो में मैंने जिन जिन महान व्यक्तियों के नाम आपको बताए हैं उन सभी की लाइफ स्टोरी मैंने पहले से बना रखी है। अगर आप इन महान लोगों के जीवन को डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों कहते हैं कि समस्या उतनी ही बड़ी होती है जितनी जगह जिंदगी में हम उसे देते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह है, और कामयाब वो लोग हैं जिन्हें फूंक मार के मलाई को साइड कर चाय पीना आता है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।